आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आपका न्यू चैप्टर है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करूँ, मतलब ये जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू टॉपिक हमारा, इस रेडॉक्स रिएक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हम इसमें, ठीक है, मेनली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं क्या क्या इस टॉपिक के अंदर हमें कवर करना पड़ेगा। पहले नंबर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर आपका रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों एक ही बात है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से आप किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हो। केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन बहुत बड़े नहीं है, ठीक है, तो हम उसे आसानी से हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से इसे बैलेंस करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ये जो मुश्किल काम है ना, ये मुश्किल काम आसान हो जाएगा अगर हम थोड़ी सी क्या करें, हेल्प ले किसका, ऑक्सीडेशन या स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का। अगर हम हेल्प ले तो बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन हमारे क्या हो जाते हैं, आसानी से बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो जो चैप्टर है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, अगर ये जो वर्ड्स है इस शब्द पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स, ठीक है। ये रेडॉक्स आया कहाँ से, रेडॉक्स से दो वर्ड से मिलकर के बना है, और दो वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो एक आपका है रेड और दूसरा है धन प्लस ऑक्स, ठीक है। यहाँ पे जो रेड है ना, रेड वर्ड जो आया यहाँ पे, रेड का मतलब यहाँ पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और ऑक्स का मतलब यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली क्या हो, घटित हो, अकर। सो दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो जाएं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इतना आसान नहीं है इस टॉपिक को समझना, ठीक है। अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन को समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे आपको पता है कि मैंने क्या बोला, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हों, ठीक है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हो आप रेडॉक्स रिएक्शन। अब दोनों साथ होने, देखिए ये तो बात समझ में आ गई कि रिडॉक्स रिएक्शन की क्या डिफिनेशन है, क्या होगा इसमें, ये बात समझ में आ गई। लेकिन आपको अभी ये समझ नहीं आया कि ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन वर्ड्स है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। जब इन दोनों चीजों को आप समझ जाओगे तभी आप रिडॉक्स रिएक्शन समझ पाओ। आप ही जानते हो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको जो कंपाउंड होते हैं, आपको पता है कंपाउंड एटम से मिलके बनते होते हैं, कंपाउंड इज ग्रुप ऑफ एटम। तो क्या होता है कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऊपर कंपाउंड के अंदर, वो क्या होता है रिएक्शन के दौरान चेंज होता है, ठीक है। यानी क्यों चेंज होता है, क्योंकि वह एक जगह मतलब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो यहां से समझ में आया कि हमको कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझना पड़ेगा और रिडक्शन रिएक्शन समझना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा बहुत आसान हो जाएगा अगर हम क्या करें, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन ना पढ़ करके हम उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं अपना। वो क्या है टॉपिक हमारा, तो उससे पहले हम अगर समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इसको हम समझ गए ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा समझना। तो हम पहले इसी टॉपिक को उठाते हैं। हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या इसी को आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक
ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों दोनों वर्ड यूज की जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं होता क्या है। तो इसको देखो, हम कैसे बोलेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने का तरीका क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि रियल और इमेजिनरी चार्ज, रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी चार्ज, रियल आर इमेजिनरी चार्ज विच अराइजेज ऑन एटम, अराइजेज ऑन एटम, द रियल आर इमेजिनरी चार्ज विच अराइजेज ऑन एटम इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट, ठीक है, इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, तो किसी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, जारी सी बात है, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की, ठीक है, किसी कंपाउंड या कंपाउंड, ठीक है। अगर मान लो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज ग्रुप ऑफ एटम, कंपाउंड इज ग्रुप ऑफ एटम, कंपाउंड इज ग्रुप ऑफ एटम, यानी कहने का मतलब है कि कंपाउंड क्या होते हैं, एटम से मिलकर के बने होते हैं। अगर मैं बात करूं किसी कंपाउंड में प्रेजेंट जो एटम होता है, उस एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, इसी को बोलते हो आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं, उन एटम के ऊपर कितना चार्ज है, वो चार्ज में भी ऐसा हो सकता है कि जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो, रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, किसी मान लो जो आप जिस एटम के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस एटम के बारे में आप जानना चाहते हो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। तो जो जिस एटम के बारे में आप जानना चाहते हो, एटम अगर कंबाइंड स्टेट में है, कंबाइंड मतलब किसी और भी अगर एटम के साथ में वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस एटम के ऊपर कितना चार्ज है, इसी को बोलते हो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। में भी ऐसा हो सकता है कि जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो, वो रियल भी हो सकता है, और में भी ऐसा हो सकता है कि जो आप चार्ज मान रहे हो ना, वो चार्ज इमेजिनरी चार्ज हो। जैसे इसको थोड़ा सा समझना, अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि किसी एटम के ऊपर, ठीक है, किसी एटम के ऊपर कितना रियल चार्ज है या इमेजिनरी चार्ज है, अगर वो एटम कंबाइंड स्टेट में है। फिर से बार मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ, मैंने क्या बोला था, द रियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज, और इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट विच अराइजेज ऑन एटम इन ए कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि किसी एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर वो एटम क्या हो, कंबाइंड स्टेट में हो, ठीक है, वो जो चार्ज प्रेजेंट है, वो में भी ऐसा हो सकता है कि रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, तो जो चार्ज प्रेजेंट है उस एटम के ऊपर, वही चार्ज क्या कहलाएगा, उस एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, आपको ये पता है जो सोडियम क्लोराइड होता है, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। कहने का मतलब है कि ये जो कंपाउंड होता है, ये आयन से मिलकर के बना होता है। एक कंपाउंड क्या होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोसेस से बने होते हैं, ठीक है। दोस कंपाउंड विच आर फॉर्मड बाई दी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, आप जानते हो।
ये जो आयन से ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, दिस इज आयनिक कंपाउंड। अगर ये आयनिक कंपाउंड है, इसका मतलब हुआ कि ये जो कंपाउंड है आयन से मिलकर के बना हुआ है। तो हम बात करते हैं कौन कौन से आयन से मिलकर बना है, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो आयन से मिलकर के बना हुआ है। अगर देखिए, अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का, पहली बात तो आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड से यूज कर रहे हो, जब इस ये शब्द आप यूज कर रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पर्टिकुलर एटम का निकालते हो। क्या निकालते हो? किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर बात करना पड़ेगा आपको, ठीक, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पर्टिकुलर एटम का होता है, ठीक है, क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एटम का होता है। तो अगर आप बात करते हो सोडियम जो आयन है, यानी ये जो सोडियम है, इस सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो अगर मैं कहूं कि ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ सोडियम, ये जो सोडियम एटम है ना, सोडियम जो एलिमेंट है आपका, इस सोडियम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इस कंपाउंड के अंदर। तो मैंने क्या कहा कि किसी एटम के अंदर, कि किसी एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि उस एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट हो, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, डिपेंड ये करता है कि वो कंप जिस जहां आपकी जो कंपाउंड है या जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो किस टाइप के कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, इस सोडियम का आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा सोडियम जो है इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो आपने देखा कि वहां पे सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी सोडियम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, एक एक चार्ज प्रेजेंट, कितना चार्ज प्रेजेंट है, वन, और भी पॉजिटिव में है, क्या है, पॉजिटिव में है, वन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सोडियम क्लोराइड के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा, +1। यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे हम साइन भी लगाते हैं, जैसे यहाँ पे एक चार्ज तो प्रेजेंट था, तो हम यहाँ पे केवल एक नहीं लिखे बल्कि इसके सामने क्या लिखा, एक हमने प्लस भी लिखा, इससे पता चल रहा है कि ये जो चार्ज है, चार्ज का नेचर क्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड के अंदर क्या होगा, तो +1 होगा। और देखिए ये जो +1 चार्ज, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, ठीक है, क्या बोल रहा है, +1। ये जो +1 है, ये +1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये +1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितना पर चार्ज प्रेजेंट है, वन चार्ज प्रेजेंट है, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज आपको दिख रहा है +1 ना, दिस इज रियल चार्ज, रियल चार्ज, रियल चार्ज क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि तो वास्तव में ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये आयन से मिलकर के बना हुआ है, और यहाँ पे जो चार्ज है ना +1, चार्ज +1 एक कंप्लीट चार्ज है, कंप्लीट चार्ज, दिस इज कंप्लीट चार्ज, वास्तव में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसके ऊपर क्या आया चार्ज, कौन सा कितना चार्ज आया, +1 चार्ज आया। ये जो +1 है ना, दिस इज रियल चार्ज, दिस इज रियल चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो क्लोरा, ये जो क्लोरीन एलिमेंट है, ठीक है, इस एटम का, क्लोरीन एटम का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ यस एस, ओ एस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी आप बोल सकते हो, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट की आप बात करते हो तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। देखिए क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो -1 प्रेजेंट है, तो हम साइन के साथ में लगाते हैं, केवल 1 नहीं लिखते, माइनस भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका नेचर माइनस का है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव शो करने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ये जो ये भी जो चार्ज है क्लोरीन के ऊपर, ये जो चार्ज है -1, तो आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रहा है, तो ये क्या है, रियल चार्ज है, क्योंकि वास्तव में इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरीके से आई बात समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या बताता है कि किसी एटम के अंदर,
एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, मे भी ऐसा हो कि जिस एटम के बारे में आप बात कर रहे हो वो उस एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट हो रियल भी हो सकता है। अभी जैसे हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में बात किया, इसी तरीके से आप कैल्शियम क्लोराइड की बात कर लेते हो, तो आपको ये पता है जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वह एक कैल्शियम आयन और दो क्लोराइड आयन से मिलकर के बना होता है। तो अगर आप बात करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम, इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम। देखिए अब तुम्हें पता करना पड़ेगा, आप कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो आपको ये पता करना पड़ेगा कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, +2। ठीक है, साइन के साथ में दो चार्ज प्रेजेंट है, वो भी प्लस वाला। ठीक है, यानी दो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक, कैल्शियम के ऊपर ये जो +2 आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज रियल चार्ज। ये वास्तव में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि +2 इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज है +2 का। ठीक है, यहाँ पे जो आपको +2 लिखा है ये रियल चार्ज है। इसी तरीके से आप क्लोरीन की बात करते हो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1, क्योंकि इसके ऊपर -1 का चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन इसी की जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी बात करूं, जैसे मान लो कि आप अगर बात करते हो सपोज दैट वाटर मॉलिक्यूल के बारे में आप बात करते हो, वाटर वाटर की बात करते हो, तो वाटर का आप जानते हो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। ठीक है, क्या होता है, H2O। अगर मैं इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊं, आपको पता है वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वी शेप का होता है। ठीक है, इसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर, अगर इसका देखो ये जो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पर्टिकुलर एटम का या पर्टिकुलर एटम का निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन के, ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई पड़ रहा है, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे। देखिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि इस हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है, चार्ज बताता है कि कितना चार्ज प्रेजेंट है। अब हो सकता है कि वो चार्ज रियल हो या हो सकता है इमेजिनरी हो। अगर आप देखते हो हाइड्रोजन के ऊपर अभी आपको दिखने में तो नहीं यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ रहा है कि कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन के ऊपर तो यहाँ पे कोई चार्ज शो नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है कि हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज है प्लस का या माइनस का। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि इसके ऊपर चार्ज नहीं प्रेजेंट है। हाँ, इसके ऊपर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। हाँ, इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम उसको शो करते हुए चले, लेकिन इसके इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, यानी यहाँ पे जो इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा ना, वो क्या होगा, इमेजिनरी। क्या होगा, इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पे दिखाई तो आपको पड़ नहीं रहा है। तो आपको अच्छा इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट क्यों है, दिक्कत तो इस सवाल तो ये भी खड़ा होता कि हाइड्रोजन के ऊपर लिखा अगर नहीं है, कोई चार्ज नहीं शो हुआ है प्लस का माइनस का किसी भी प्रकार का चार्ज अगर यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर क्यों चार्ज प्रेजेंट है। तो इसके पीछे रीजन ये है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू आर इट सेल्फ आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी किसी एलिमेंट का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे मान लो ये सीएल है, आपको हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, HCl। आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब बात ये होती है, देखो जब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन आप दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन मैं दूं, क्योंकि मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन ने बोला था कि देखो हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, और देखो अगर आप क्लोरीन का करते हो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कहता हो 17 होता है, तो 287। अब इसको भी ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये इसको पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और आपको पता है कि हर एक एलिमेंट कैसा बनना चाहता है, इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है, और इनर्ट गैस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा।
ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट की चाहत होती है कि मेरे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि अगर उसको वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वह इनर्ट गैस जैसा बन जाएगा, और हर एक एलिमेंट कैसा बनना चाहता है, इनर्ट गैस बनना चाहता है। इस रूल को क्या बोलते हो, ऑक्टेट रूल बोलते हैं, आप पढ़ चुके हो। लेकिन हाइड्रोजन का केस क्या है कि हाइड्रोजन के वैल तो ये जो आपका ये जो के सेल है यानी फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बात ये आती है कि देखिए फर्स्ट सेल है और फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो फर्स्ट सेल की कैपेसिटी होती है वह कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रख नहीं सकता, ठीक है। और यही हाइड्रोजन के लिए यही के सेल क्या है, फर्स्ट सेल है, और यही इसके लिए आखिरी सेल है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है हाइड्रोजन, ही अपने नजदीक की क्या बन नजदीक वाले एलिमेंट, इनर्ट जो एलिमेंट होता है अपने नजदीक वाले, तो हाइड्रोजन के सबसे नजदीक इनर्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हीलियम। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 होता है, ठीक है। अब बहुत लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि हीलियम जो होता है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, फिर भी एक की इनर्ट क्यों है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि देखो कोई चीज इनर्ट होगी कि रिएक्टिव होगी, या इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे क्या है आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि बोहर एंड बरी ने जो रूल्स दिए थे, वो बोहर एंड बरी ने रूल्स ने क्या दिए थे, उन्होंने कहा था किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n², ठीक है। पहली बात तो इन्होंने ये कहा था। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था, दूसरी बात इन्होंने कहा था कि किसी भी नए सेल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग तब तक नहीं होगा जब तक उससे पिछला वाला जो सेल है कंप्लीटली फिल ना हो जाए। तीसरी बात क्या बोला था, तीसरी बात बोला था किसी भी वैलेंस सेल में, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ये 3 रूल्स थे, ठीक है। आप ये देखो ना कि ये जो ही जो ही जो जो फर्स्ट सेल है, जो फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल यानी इक्वल टू 1, और इसके हिसाब से बात करेंगे तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या इसके 2n² के हिसाब से, तो 2 1 यहाँ पे कितना आएगा, 2, यानी फर्स्ट सेल में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है फर्स्ट सेल की इलेक्ट्रॉन की रखने की, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही फर्स्ट सेल रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं रख सकता। और हीलियम का क्या है, देखो हीलियम का जो फर्स्ट सेल है ना, जो ये जो के सेल है, ये जो के सेल है इसके लिए क्या है, फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, ठीक है। और इसके लिए आखिरी सेल कौन सा है, एक ही सेल है, तो इसके लिए क्या हुआ, जो फर्स्ट सेल है वही आखिरी भी सेल है, यानी शुरुआत भी इसके लिए यही है और अंत भी इसके लिए है, यानी के सेल जो है हीलियम के लिए वही फर्स्ट सेल है और यही क्या है, लास्ट सेल है, यानी वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल। और देखो वैलेंस सेल अगर कंप्लीटली फिल्ड है, अगर वैलेंस सेल क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में है भी, ठीक है। और इसका जो आखिरी सेल है वो कंप्लीटली फिल भी है भाई, उसके हिसाब से, बोहर एंड बरी के हिसाब से तो फिल है, ठीक है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में है, ठीक है। फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसी कारण से क्या हुआ कि ये क्या है, इनर्ट है, क्योंकि इसका जो वैलेंस सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। अभी 8 इलेक्ट्रॉन तो रख ही नहीं सकता फर्स्ट सेल में, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट सेल है इसके लिए क्या है, वैलेंस सेल है, और वैलेंस सेल जो है वो कंप्लीटली क्या है, फिल्ड है। फर्स्ट सेल की कैपेसिटी केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन की है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा, नहीं रख पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है कि अपने वैलेंस सेल की पूर्ति कर ले रहा है, वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। इस कारण से क्या है, ये इनर्ट इसको माना गया है। अब बात आती है कि देखो जब इनके बीच में शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, तो ये समझौता होकर हुआ था कि देखो 1 इलेक्ट्रॉन आप दो, 1 इलेक्ट्रॉन मैं दू, हम दोनों समझौता करेंगे, ठीक है। आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप इलेक्ट्रॉन का ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा ये आप शेयर कर लीजिएगा, आप यूटिलाइज कर लीजिएगा, आपको आवश्यकता पड़ेगी। और क्लोरीन ने बोला था कि हाँ अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में होता, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में क्लोरीन की जो क्षमता, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। तो क्लोरीन, आपको पता है कि क्लोरीन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण क्या करता है, ये मनमानी करने लगता है और कहता है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो हम दोनों ने मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो मेरी तरफ ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। वैसे हुआ कि ऐसे समझो कि एक ताकतवर व्यक्ति और एक कमजोर व्यक्ति के बीच में समझौता हुआ कि हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, कुछ चीज मिलकर खरीदेंगे,
और तुमको आवश्यकता पड़ेगी तुम उसका उस सबस्टांस का उस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेना, और मुझे पड़ेगा तो मैं कर लूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जो ताकतवर व्यक्ति था वो बाद में पलट गया और क्या बोलने लगा कि नहीं, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जो हमने मिलकर के खरीदा था, इस सामान का यूज मैं ज्यादा करूंगा क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया। अब देखो, पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन के ऊपर थी और आधी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के ऊपर थी। तो किसी के पास ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ना किसी के ऊपर कम था, तो दोनों क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जबरदस्ती करके अपनी तरफ खींच लिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो था हाइड्रोजन ने शेयर किया था वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसने अपनी तरफ खींच लिया है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ही यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज डेवलप होगा। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन की, अभी पता है कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वह हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन आपका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको अपनी तरफ जो खींचने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन हुआ था, जो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया था, जो बॉन्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो था, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। तो थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर ले, तो थोड़ा सा शिफ्ट करने के कारण क्या हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज डेवलप होगा। वो हमको नहीं पता कि कितना चार्ज, कितना कूलाम चार्ज इसके ऊपर निगेटिव चार्ज के रूप में आया जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींचा। लेकिन ये तो पता है ना कि हाँ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए हमने क्या लगा दिया, पार्शियल निगेटिव। पार्शियल का मतलब होता है एपेरेंट, मतलब इमेजिनरी चार्ज, मतलब कुछ बहुत। डेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डेल का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, मतलब बहुत कम, लिटिल अमाउंट में, ठीक है। निगेटिव का मतलब इसके ऊपर थोड़ी सी क्या है, निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से इसके साथ भी यही करेगा, ये ऑक्सीजन इसके भी साथ यही करेगा। तो एक बार ये जो ऑक्सीजन है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसके ऊपर एक बार और चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। यानी इसके देखो यहाँ पे अभी दिखने में तो नहीं लग रहा था कि हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज है, लेकिन आपने जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉन्सेप्ट लगाया तो आपको पता चला कि नहीं, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल देखो, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, यानी इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो 100% फिक्स है। और यहाँ पे क्या है, पार्शियल है, मतलब थोड़ा सा कंप्लीट तो नहीं आप बोल सकते हो ऐसे, मतलब एक जो एक देखो एक पॉजिटिव चार्ज पे, अगर यहाँ पे लिखा है वन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और वन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना कूलाम का चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻¹ कूलाम, ठीक है। जब एक कंप्लीट चार्ज होता, एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता, तो हम बोलते हैं कि मतलब इसका मतलब हुआ कि 1.6 × 10⁻¹ कूलाम का चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे पार्शियल का मतलब हुआ कि इतना तो नहीं है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। और वो मैं नहीं बता सकता, वो क्या होता है, कंप्यूटेशनल होता है, वो कंप्यूटर से कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको चार्ज दिख रहा था, पहले लिखा तो नहीं था लेकिन वास्तव में इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो अगर आप, मैं बात करता हूं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यानी हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर विल बी कितना, देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और भी एक पॉजिटिव चार्ज है ना, यानी +1। लेकिन यहाँ पे इस बार जो +1 लिखा हुआ है, इस दो प्लस तो ये 100% फिक्स है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, नेचर बता दिया। और जो +1 लिखा है ना, इस बार +1 जो है आपका रियल चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो कंप्लीट, तो चार्ज यहाँ पे कंप्लीट चार्ज थोड़ी है, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज नहीं है, पार्शियल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो +1 दिखा कर रहा है ना, ये मतलब क्या है कि इमेजिनरी चार्ज है। क्या चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छी तरीके से अगर मैं
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन के ऊपर दो निगेटिव चार्ज है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इक्वल टू -2। और ये जो चार्ज है -2 ना, ये क्या है, इमेजिनरी चार्ज है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसे हाइपोथेटिकल तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होने के कारण क्या करेगा, दो बार हाइड्रोजन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट खींच लेने के कारण इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, निगेटिवली चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और वो कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो दो बार खींचेगा तो इसके ऊपर दो पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर जो दो है ना, तो क्या है, रियल ना हो करके क्या हो रहा है, इमेजिनरी है, क्योंकि हमने पहले तो लिखा नहीं था, हमने बाद में क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो होगा वो क्या होगा, रियल ना होगा कि इमेजिनरी होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ू, कहने का मतलब है, अगर देखो, अगर आप क्या करते हो, आयनिक कंपाउंड की बात करते हो, तो आयनिक कंपाउंड कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर आप किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, वहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो मिलेगा किसी भी एटम का आपको, वो रियल मिलेगा, क्या मिलेगा, रियल। रियल क्यों मिलेगा, क्योंकि वास्तव में उसके वो जो एटम है जिसके ऊपर आप ऑक्सीडेशन, जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, उसके ऊपर रियल में चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, उतना एग्जैक्ट क्वांटिटी जितना आप लिख रहे हो उतना रियल चार्ज प्रेजेंट होता है। लेकिन आप किसी कोवेलेंट कंपाउंड में अगर किसी एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो, तो उस समय क्या होगा कि जो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इमेजिनरी होगा, यानी वो क्या होगा, एक हाई, आप ऐसा मान के चल रहे हो कि हाँ इसके ऊपर एक चार्ज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इमेज, हम क्या कर रहे हैं, इसको इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक इतना चार्ज प्रेजेंट होगा, लेकिन वो चार्ज रियल नहीं होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आप किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो कैलकुलेट करते हो, वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह इमेजिनरी 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 चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। इसके आगे अगर मैं बात करूं, तो इसके आगे अगर मैं बात करूंगा, जैसे एक और थोड़ा सा मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि फेरिक क्लोराइड का, जिसका फार्मूला होता है या फिर CL3। अब इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एक कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, यानी ये कंपाउंड आयन से मिलकर के बना हुआ होगा। अच्छा, ये जो कंपाउंड है, आयनिक जो कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड आयन से मिलकर बना हुआ, तो कौन किस कौन कौन से आयन से मिलकर के ये फेरिक क्लोराइड बना होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो है फेरिक आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर के बना है, एक फेरिक आयन है आपका और तीन क्या है, क्लोराइड आयन, यानी एक फेरिक आयन ने तीन क्लोराइड आयन से कंबाइन करके बाय दी कूलाम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप बात करते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, इस फेरिक क्लोराइड के अंदर जो आयरन एलिमेंट है, इस आयरन एटम का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो, तो आप क्या देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो तीन चार्ज है, कितना चार्ज है, थ्री। वो भी किस साइन, साइन तो हमको चिन्ह तो लगाना पड़ेगा, मतलब कैसा साइन है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दिया। इसी तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन की बात करते हो इन फेरिक क्लोराइड, तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हो -1, कितना है लिखा है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्लोरीन का -1 होगा। और ये जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दिस इज रियल चार्ज, ये दिस इज रियल चार्ज, यानी आयरन के ऊपर, वास्तव में आयरन एलिमेंट के ऊपर, ये फेरिक क्लोराइड कंपाउंड के अंदर आयरन के ऊपर वास्तव में तीन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, रियल की बात है। और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट, तो -1, ठीक है। यहां तक बात आई हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में, किसकी बात करते हैं, कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं।
तो हमारा टॉपिक अगला क्या है, रूस। हम कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे, रूस के बारे में पढ़ेंगे। रूस फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, रूस फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए, किसी भी एटम का, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ रूल्स को जानना बहुत ही जरूरी है, बिना उसके हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे पहला अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पॉइंट, ये जो रूल्स में कई ये सारे जो रूल्स हैं कई सारे पॉइंट वाइज हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट आपका है वो क्या कहता है, वो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ थ्री एटम और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो। क्या बोलता है, दी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑफ थ्री एटम और मॉलिक्यूल, थ्री मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एटम फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब वो जो एटम है वो किसी साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। वो एटम क्या है, किसी के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। उसे किसी से कोई कुछ भी जुड़ाव नहीं है, कोई भी वो किसी साथ में कनेक्टेड नहीं है, किसी साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम है, एक सोडियम का एटम है, ठीक है। और ये जो सोडियम एटम है, इसके आसपास में किसी के साथ में कांटेक्ट में नहीं है, किसी के साथ अकेले है। दिस इज, ये जो एटम होगा क्या कहलाएगा, फ्री एटम, मतलब ये किसी साथ में कंबाइंड स्टेट में नहीं है, किसी साथ जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो किसी भी एटम का जो कंबाइंड सॉरी फ्री स्टेट में होता है, उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। या ऐसा भी मान सकते हो, कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल क्या फ्री स्टेट में है, यानी कहने का मतलब यह है कि वो जो मॉलिक्यूल होगा वो किसी के साथ में संपर्क में नहीं है, कंटेक्ट में नहीं है। तो वो जो मॉलिक्यूल होगा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। वो जो आपका स्पीसीज होगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। थोड़ा समझो, जैसे मान लो सोडियम लिखा हुआ है, तो इसके देखो ये जो एटम लिखा हुआ है या जो ये एलिमेंट लिखा हुआ है सोडियम ना, इस सोडियम क्या ऐसा सोडियम है, ये सोडियम है फ्री, फ्री सोडियम, यानी ये किसी साथ में, इसके आसपास में कोई आपको कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा है, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज लिखा तो है नहीं, ठीक है, किसी भी चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो यानी यहाँ पे सोडियम का अगर सिंपली अगर सोडियम लिख दिया गया और इसका पूछा जा रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज तो है आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर पोटेशियम सिंपली लिखा है तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसके ऊपर पोटेशियम ऊपर आपको कोई चार्ज दिख तो रहा नहीं है, प्लस माइनस किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं आपको दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा तो जीरो चार्ज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, मान लो कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करता हूँ मैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को पता है व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल आपको पता है, मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है, यानी कई सारे जब एटम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो वो क्या बना लेते हैं, एक गेंट पार्टिकल बना लेते हैं, गेंट बड़ा सा उनका आकार कर देता, बड़ा हो जाता है। ग्रुप मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये यानी जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन दिस इज मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि दिस इज ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम का मतलब एक से ज्यादा एटम जब आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम। अकेले तो ग्रुप बनता नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा एटम जब आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, तभी वो ग्रुप ऑफ एटम बनेगा, तो दिस इज मॉलिक्यूल। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, क्योंकि ये जो
मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ये फ्री स्टेट में है, यानी ये किसी इसके आसपास में कुछ है नहीं, और यहाँ पे कुछ चार्ज तो भी नहीं लिखा हुआ है हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ H2 मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज दिखा नहीं है। इस पूरे मॉलिक्यूल का क्या कहला है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से पी अगर मान लो फास्फोरस मॉलिक्यूल की बात करते हो, जो टेट्रा टेट्रा एटॉमिक होता है, यानी चार एटम से मिलकर के इसका एक मॉलिक्यूल बना होता है फास्फोरस एलिमेंट का P4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप P4 मॉलिक्यूल, यानी पूरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीड, अब मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम का निकाला जाता है, किसी एटम का क्या निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। हम क्या बात कर रहे हैं कि पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। और किसी आप पर्टिकुलर एटम का भी निकाल लोगे ना तो जीरो ही आएगा। जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बात करते हो, इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होता है फास्फोरस मॉलिक्यूल का। तो देखो इस एटम की, जो फास्फोरस एटम है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फास्फोरस एटम है ना, ये फास्फोरस एटम अपने ही भाई से, मतलब अपने ही यहाँ पे फास्फोरस एटम फास्फोरस से ही जुड़ा हुआ है। तो दोनों जब एलिमेंट सेम है, इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो भी सेम होगी, यानी कोई जोर जबरदस्ती कोई ना तो फास्फोरस कर पाएगा ना तो ये वाला फास्फोरस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, अपनी अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होगी वो सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, इसीलिए फास्फोरस के ऊपर किसी भी, इसमें चारों के चारों जो एटम आपको दिखाई पड़ रहा है, इस चारों के चारों एटम में किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है। ओवरऑल आप ऐसा बोल सकते हो कि फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा P4 मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा, जीरो, किसी भी, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि आप इसी तरीके से आप बात करते हो नाइट्रोजन का N2, तो N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। हम मैंने अब समझ गए होंगे किसी भी मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो होता है जीरो होता है। जैसे मान लो कि मीथेन की बात कर रहा हूँ, या इथेन की बात कर रहा हूँ, जैसे अमोनिया की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि आप SO2 की बात कर रहा हूँ, SO3 की बात कर रहा हूँ, सल्फर ट्राईऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, जैसे आप मान लो कि यूरिया की मैं बात कर रहा हूँ, NH2CO NH2, ठीक है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, पूरे का जीरो, इसका भी पूरे का क्या होगा, जीरो, इसका भी जीरो, टोटल का। और इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, हमने पूरे की बात की है, पूरे टोटल टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल यानी मीथेन मॉलिक्यूल का क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कार्बन का होगा जीरो, नहीं, हम कार्बन की बात ही नहीं की है, ना तो हम हाइड्रोजन की बात की, हम पूरे मॉलिक्यूल की बात की है। ओवरऑल जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट बात करोगे पूरे मॉलिक्यूल का तो क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ठीक है, संसार का हर एक स्पीसीज का क्या बनना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है। और इसीलिए तो एटम क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि तो जब वो एटम थे तो उनके अंदर कुछ थी, क्या थी, अनस्टेबिलिटी थी, तो अनस्टेबिलिटी होने के कारण से वो एक दूसरे से कंबाइन किए और क्या कर लिए, एक मॉलिक्यूल का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिए। तो कोई भी कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये इसे देखो, ये जो पूरा मीथेन है ना, मीथेन मॉलिक्यूल, इसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो चार्ज ही तो बताता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जब कोई चार्ज नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ठीक है, यहाँ पर तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आपको कुछ चार्ज तो नहीं दिख रहा है, तो टोटल, अगर टोटल बात करते हो, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, ऐसे अगर आप बात करते हो CH, ऐसे बात करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो। हाँ, ये बात सही है, दिस इज करेक्ट। लेकिन आप अगर ऐसे बोल देते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू जीरो, ये बात गलत है, हमने पूरे मॉलिक्यूल की बात की है। अब आप किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट जो एलिमेंट है, उस पर्टिकुलर एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में आप बात करने लगे, हम तो पूरे मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी
मॉलिक्यूल का जो फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है पूरे मॉलिक्यूल के लिए, जीरो होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट हमारा कवर अप हो गया। आगे चलते हैं, आगे आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, इस हाइड्रोजन एलिमेंट का जनरली 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 मतलब प्रायः अधिकतर मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि जो हाइड्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा वो कितना मिलता है, +1 मिलता है मोस्टली। जनरली का मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा, ऑलवेज, हमने ऑलवेज शब्द यूज ही नहीं किया, हमने ऑलवेज तो नहीं बोला, हमने कहा कि हाँ मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलता है वो कितना मिलता है, +1 मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ नहीं कि हमेशा कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी सिचुएशन होगा, सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे अगर आप बात करते हो मेटल हाइड्राइड की, बात करते हो मेटल हाइड्राइड के केस में, वहां पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वहां पे हाइड्रोजन का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वहां पे आपको जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा वो -1 मिलता है। ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो, नहीं छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, अगर मेटल हाइड्राइड के केस में बात करते हो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट उस समय छोड़ करके, बाकी जगहों पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना माना आपको देखिए ये सारी चीज जानने क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे ना तो उसके लिए क्या आपको क्या पड़ेगी, हेल्प पड़ेगी। ठीक है, कुछ एटम का, कुछ एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन बहुत कॉमनली एलिमेंट है, मोस्टली कंपाउंड का फॉर्मेशन हाइड्रोजन कंबाइन करके ही, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हाइड्रोजन बहुत सारे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप मेटल हाइड्राइड की बात, मतलब सोडियम हाइड्राइड की बात करते हो, दिस इज कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज आयनिक कंपाउंड, क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड है आयन से मिलकर बना है, सोडियम आयन और हाइड्राइड आयन दो आयन से मिलकर के बना हुआ है। अब मैंने तो लिख ही दिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आपको दिख रहा है, -1 का दिख रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो आप जब मेटल हाइड्राइड की बात करते हो तो उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, अगर मेटल हाइड्राइड नहीं है, बाकी अदर कोई कंपाउंड की बात करते हो जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और उस कंपाउंड के अंदर अगर आप हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बात करते हो तो +1 आपको लिया जाएगा। तो आप मोस्टली जगहों पे आप अगर मेटल है, अगर आप पहले नंबर जब क्वेश्चन आपको मिलेगा जिस कंपाउंड के लिए, आप जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन के लिए बात की जाएगी तो आप देख लेना कि वो जो कंपाउंड है मेटल हाइड्राइड नहीं तो नहीं है, यानी मेटल के साथ उसका तो कंपाउंड नहीं है, अगर नहीं होगा तो +1 लीजिएगा, अगर होगा तो फिर तो -1 लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं और पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं कहूँ कि आप एल्कली मेटल की बात कर लेते हो, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल आपको पता है एल्कली मेटल, ठीक है एल्कली मेटल, ठीक है एल्कली मेटल क्या होते हैं, जो ग्रुप फर्स्ट ये जो आपका पीरियाडिक टेबल है, आपको पता है पीरियाडिक टेबल, अब मैं यहाँ पे टोटल आप ग्रुप कितने ग्रुप है पूरे पीरियाडिक टेबल में, 18 ग्रुप है पूरे पीरियाडिक टेबल को, 18 ग्रुप और 7 पीरियड में बांटा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में आपका कौन कौन से एलिमेंट है ये भी आपको याद होगा, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सॉरी पोटेशियम, हाँ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, हीलियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये जो एलिमेंट हैं इस सारे एलिमेंट को कहाँ पे रखा गया, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है वैलेंस का क्या होता है, 1s1। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अब किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में आप बात कर लोगे तो उसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा, और इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लॉस कर दे, इसलिए तो ये मेटल कहलाते हैं। तो एल्कली मेटल इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि इनके जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है इनके जो कंपाउंड होते हैं यानी इनके जो ऑक्साइड होते हैं,
ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। और कौन सा, जैसे मान लो लिथियम की बात कर रहे हो, सोडियम की बात कर रहे हो, पोटेशियम, या इन सारे एलिमेंट में हाइड्रोजन को छोड़ दो, अभी हाइड्रोजन छोड़ दो, हाइड्रोजन थोड़ा ऐसा ग्रुप नंबर 17 यानी हाइड्रोजन ग्रुप वाले से भी इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, तो इसको छोड़ दो अभी। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, यानी जो छह के छह एलिमेंट हैं, इन छह के छह एलिमेंट का अगर आप देखोगे, इनका जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड मतलब लिथियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, या अदर टाइप के ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम, फ्रांसियम, इनका जो ऑक्साइड होता है वह कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। और इनके जो बेस होते हैं ना, यानी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो बेस होते हैं, ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी ये कंप्लीटली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में डिजोल्व करने पे, ठीक है। और ये वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इनकी ऑक्साइड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और ये वाटर में डिजोल्व हो जाने के कारण से इनको क्या होता है, इनका वाटर में इनको डिजॉल्व हो जाने के कारण इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। इनके हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाने के कारण से इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हो। तो इन जो एल्कली मेटल होते हैं, किसी भी लिथियम की बात करते हो, सोडियम, इस छह के जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन तो अभी बात हमने कर ही लिया है, बाकी लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम, ये जो फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, किसी भी एलिमेंट की बात करते हो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1, ठीक है, +1। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, कितना होता है, +1 होता है। क्यों होता है ये भी देख लो, जैसे मान लो लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2-1 होगा। अब 2-1 होने के नाते क्या होगा, एक कैसा बनना चाहता है, हीलियम जैसा बनना चाहता है, क्योंकि लिथियम के सबसे नजदीक इनर्ट गैस कौन सा है, हीलियम है, हीलियम जैसा बनना चाहेगा। अब हीलियम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इसके ये जो दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और ये दो दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये जो सेल होगा यही इसके लिए आखिरी सेल होगा, और ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इसने ऑब्टेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण से लिथियम हमेशा +1 में जाना चाहता है, और कहीं भी आपको लिथियम मिलेगा तो किस ऐसे लिए मिलेगा, लिथियम आयन, और लिथियम आयन में लिथियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। इसी तरीके सोडियम के ऊपर कभी आपने तो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं देखा होगा, जब भी देखा होगा तो देखने को मिलेगा आपको +1 का ही मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, +1 का ही देखने को मिलेगा, दो या तीन पॉजिटिव चार्ज नहीं आपको देखने को मिलते, हमेशा +1। ऐसे पोटेशियम के ऊपर भी हमेशा +1 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको आवश्यकता है एक इलेक्ट्रॉन क्या करने की, रिलीज करने की, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लॉस ही करते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे एक ही तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। इसी तरीके से आप एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हो, यानी ग्रुप नंबर सेकेंड, ग्रुप नंबर सेकेंड यानी कौन कौन से एलिमेंट है, तो आपको देना, ये देखिए, बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, रेडियम, ठीक है। ये जो सारे एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर सेकंड के अंडर में आते हैं, ठीक है। इन किस ग्रुप के अंडर में आते हैं, तो सेकंड वाले ग्रुप के अंडर में आते हैं, ठीक है। और इनका अगर किसी भी एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट में से किसी भी एक एक आप एलिमेंट को उठाकर देख लीजिए, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगा, अब पर्टिकुलर मैग्नीशियम की ले लो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2, 8, 2, ठीक है। आप अगर इस तरीके से, या आप ऐसे बोलते हो कि अगर आप
अबाव के प्रिंसिपल के आधार पे, अबाव रूल के हिसाब से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करते हो तो क्या मिलेगा आपको, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन मिलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन वो क्या मिलेगा, NS2। क्या मिलेगा, NS2। यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल हमेशा इस सारे के लिए, है जितने भी एलिमेंट है सबका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बार बार कर एक एक करके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेंगे, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन ले जाते हैं, इनर्ट गैस जैसा कंफिग्रेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये जब दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो इनके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो दो चार्ज आएगा, जाहिर सी बात है। जैसे मैग्नीशियम है, अब दो इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना चाहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस तरीके से। तो मैग्नीशियम का ऊपर, मैग्नीशियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से पूरे जितने भी आपके क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इन सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कितना होता है, +2 होता है। ये आप कंसीडर करके चलोगे, बार बार कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगर मैं बात करूं, देखिए एक बात, एक और पॉइंट है कि जो मेटल होते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, वो जनरली आपको क्या, जनरली का ऑलवेज ऐसा भी बोल सकते हो, क्या होता है जनरली, चलो जनरली बोल दो, मे भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपको जनरली जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलता है, कभी आपको निगेटिव नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि सोडियम के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेटल की अंदर टेंडेंसी होती है, क्या ना इनका डिफिनेशन ही है कि दो एलिमेंट विच है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड मेटल। तो जारी इस वक्त अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कभी निगेटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। तो हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा कि मेटल, अगर मेटल होगा तो उसके ऊपर उसका, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला चार्ज, यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। इसी तरीके से आप बात करते हो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन एलिमेंट का अगर देखो, अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्साइड, ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। अगर ऑक्साइड के फॉर्म में न प्रेजेंट होकर के परऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, परऑक्साइड, परऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन कितना होता है, -1। अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तब तब उस समय जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -ऑफ होता है। लेकिन अगर एक केस और बनता है, जैसे मान लो कि OF2, दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ऐसे आप लिख सकते हो, आपको पता है कि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट कोई और एलिमेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब देखो, जब फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से एक फ्लोरीन भी खींच रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, और एक बार इसने भी खींचा है ना, ये वाला जो चार्ज डेवलप हुआ इसके कारण डेवलप हुआ है, जब ये खींचेगा तो एक और चार्ज डेवलप होगा, डबल पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके ऊपर यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला, ऑक्सीजन के ऊपर दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यानी इस केस में क्या होगा, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2, ठीक है। तो कितना होगा, +2 होगा। आगे चलते हैं, तो ये सारे केस देख लिए कि ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो -2, पर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा -1, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो -1/2, और OF2 तो एक स्पेशल केस है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए अगर सल्फर की बात करते हो, सल्फर, अगर सल्फाइड, सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। सल्फाइड है यानी सल्फर के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज,
इस तरीके का अगर प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है। देखो हैलोजन का क्या होता है, हैलोजन 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 ठीक है। हेलो का मतलब होता है ओर्स और जन का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी ऐसे एलिमेंट जो ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं उसे बोलते हैं हैलोजन। ये जो ग्रुप नंबर 17 है ना, यानी 17 वाला जो ग्रुप है, इस 17 वाले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार पॉपुलर हैं। ये जो चारों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, हैलोजन। और हैलोजन का जो नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जनरली जो आपको देखने को मिलता है वो कितना मिलता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या -1 मिलता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो फ्लोरीन का तो हमेशा ऑलवेज ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑलवेज फ्लोरीन का हमेशा और हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -1 देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट और कोई एलिमेंट नहीं है, तो यानी इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, ये ही उल्टा यही खींचेगा। अगर यही खींचेगा तो इसके ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज आएगा, -1 ठीक है। लेकिन क्लोरीन के केस में बात करते हो, ब्रोमीन की बात करते हो, आयोडीन की बात करते हो, ये जो तीनों एलिमेंट है ना, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल सकती है ठीक है, लेकिन मोस्टली -1 ही मिलता है। लेकिन मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका आपको क्लोरीन की बात करता हूँ, कभी कभी -1 भी देखने को मिल सकता है, या आपको +7 भी देखने को मिल सकता है, इसी तरीके से +5 भी मिल सकता है, +3 का भी मिल सकता है ठीक है, +1 का भी देखने को मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। जीरो को जीरो तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा तो जीरो होगा ठीक है, और -1 तो आपने लिख ही दिया। इसी तरीके से ब्रोमीन वाले भी केस में यही होगा, आयोडीन वाले भी केस में होगा, तो ये डिफरेंट वेरिएबल वैलेंसी मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपके अदर केस में मिलेंगे। तो लेकिन ज्यादा हेडेक नहीं लेना, बस इतना याद रखना है कि फ्लोरिन का हमेशा -1 होता है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का जनरली जो होता है, नॉर्मली जो होता है, -1 ही होता है। ये सब जब आएंगे तो हम देख लेंगे उसको ठीक है। इसी आगे क्रम में अगर आप बात करोगे कि अगर इसी का आप ऐसे बात करते हो कि यहाँ पे आप क्या, अगला पॉइंट हमारा क्या, अगला पॉइंट कहता है कि इन ए मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इज ऑलवेज जीरो, यानी इन ए मॉलिक्यूल द सम ऑफ द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल विल बी जीरो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल होगा, जैसे मान लो CH4E हो गया, या सोडियम क्लोराइड हो गया, या मान लो SO2 हो गया, SO3 हो गया, ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं आपके, तो कोई किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में आप बात कर दो, इन ए मॉलिक्यूल द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे ना, सारे जितने भी एटम प्रेजेंट है, सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर योग करोगे, ऐड करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, जीरो। यानी ऐसे ऐसे बोलोगे, देखो इस सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर एक सल्फर एटम है और एक सल्फर एटम है, दो कितने हैं, ऑक्सीजन एटम है। यानी अगर मैं कहूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन सल्फर एटम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टू ऑक्सीजन एटम इक्वल टू, क्या बोलता है, अभी क्या लिखा है कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है अगर सारे एटम का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन कर दे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो, इक्वल टू जीरो, पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट का मिलेगा, जीरो मिलेगा ठीक है। इसी तरीके से ऐसे भी बात करते हो, सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड में बात करते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन सल्फर
प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, तीन एटम है ना, तो थ्री थ्री यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, थ्री मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो ऐसे करके, इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आगे चलते हैं। देखो अगर मैं आगे बात करूं तो हम क्या, अभी हमारा क्या होगा कि इन ए पॉली एटॉमिक आयन, क्या बात कर रहा हूं मैं, पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है, या आप बात करते हो और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल। यहां पे इस केस में क्या होता है, देखो अब आयन की बात कर, आयन आयन मतलब दोज स्पीसीज विच हैज चार्ज, जिन ऐसा स्पीसीज, ऐसा मैटर, ऐसा छोटा पार्टिकल जिसके ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हो, आयन बोलते हो। और पॉली एटॉमिक का मतलब ऐसा आयन जो एक से ज्यादा एटम को कंटेन करता हो, जैसे मान लो क्लोराइड आयन है, तो दिस इज नॉट पॉली एटॉमिक आयन, तो क्योंकि पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी यहाँ पे तो एक ही एटम है, ठीक है, मेनी देखो जब कई सारे एटम होते हैं और उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी ऐसा आयन जो एक से ज्यादा एटम रखता हो, तो वो जो आयन होगा वो पॉलीटॉमिक कहलाएगा, दिस इज मोनो एटॉमिक आयन, ठीक है। लेकिन आप बात करो तो हाइड्रोक्साइड आयन OH, दिस इज पॉलीटॉमिक, क्यों, क्योंकि इस वाले आयन में एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो किसी भी पॉली एटॉमिक आयन हो या कोई फ्री रेडिकल हो, इस केस में क्या होता है, द टोटल जो समेशन होता है, टोटल समेशन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इक्वल टू, क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन, चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो कि आप हाइड्रोक्साइड की बात करते हो, हाइड्रोक्साइड के केस में क्या है, दिस इज पॉली एटॉमिक आयन। इस केस में अगर आप बात करते हो जितने भी एटम प्रेजेंट है इस आयन के अंदर, उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर समेशन करोगे, इस केस में क्या मिलेगा, इक्वल टू जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो तो मॉलिक्यूल केस में होता था, यहाँ पे कितना मिलेगा, -1, क्योंकि कहता है कि जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसी के इक्वल टोटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयन के अंदर, उनका समेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हो गया, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हो गया, जितने एटम थे सबको हमने लिख लिया इस आयन के अंदर, और इक्वल टू -1, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1। इसी तरीके से सल्फेट आयन हो गया, अब इसकी बात करते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, एक ही सल्फर था, ठीक है, और चार ऑक्सीजन है, तो यानी 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, -2, क्योंकि इसके ऊपर इतना चार्ज, कितना चार्ज प्रेजेंट, तो -2 का है, तो इक्वल टू -2, ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसे फास्फेट आयन हो गया, फास्फेट आयन, तो इस केस में भी यही होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, क्योंकि एक ही फास्फोरस है तो यहाँ पे एक लिखना आवश्यकता नहीं है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, चार तो ऑक्सीजन है तो 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इक्वल टू -3, ठीक है, ये भी एक कंडीशन आपका, ये भी आपका क्या बनता है, एक कंडीशन बनता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी पॉली एटॉमिक आयन के लिए टोटल नंबर, टोटल समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एटम विच आर प्रेजेंट इन पॉली एटॉमिक आयन विल बी इक्वल टू, क्योंकि
चार्ज अर्जेंट चार्ज पॉलीटॉमिक का है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए टोटल जो समेशन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छा। कुछ और भी पॉइंट हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, कौन कौन से पॉइंट हैं हमारे?